अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ फ्रैंकलिन और जिमी को ढूंढने। इन दोनों को मैंने भेजा था यार दोपहर का खाना लेने के लिए, और इन बेईमानों ने पता नहीं क्या किया है। अभी तक ये ना घर आए हैं ना शोरूम पे आए हैं, पता नहीं पैसे लेके भाग गए हैं, मेरी गाड़ी लेके भाग गए हैं, कहाँ चले गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने शहर के सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स ढाबों पर देख लिया इन लोगों को, मुझे ये कहीं नहीं मिल रहे। बेईमान अपना बच्चा ही धोखा करने लगा है। आजकल की औलाद ऐसे ही है भाईजान। आजकल की औलाद जैसी भी है, आपसे कुछ मैंने पूछा है, बेईमान आदमी ऐसे ही शुरू हो गया। देखो आजकल हर बंदा ही मशवरे देने लगा होता है। चलो यार गाड़ी लेके निकलते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि तेरे पास ये प्राडो कैसे आई, तेरी गाड़ी तो लेकर वो गए हुए हैं। यार ये प्राडो पता है क्या, मैं शोरूम से निकलवा के लाया हूँ, अपने शोरूम के अंदर से नई नई गाड़ी निकाली है। मैंने कहा जरा गाड़ी का जो है एक राउंड भी हो जाएगा और उनको भी ढूंढ लूंगा, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। इस वक्त मुझे सख्त गुस्सा आया हुआ है, अगर अभी वो मुझे मिलते हैं ना मैं इधर ही उनको ऐसा मारूंगा ना रोड के ऊपर, आप लोग देखना। फिर यार गुस्सा चढ़ा दिए कसम से, दिन के टाइम का मैंने भेजा हुआ है इनको, और अभी मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई है मैं घर भी नहीं गया। फिर अमेंडा शोर मचाएगी, मेरा बच्चा कहाँ रह गया, मेरा बच्चा कहाँ रह गया। अभी मैं कॉल करता हूँ दोबारा नंबर बंद जा रहा है, कोई फायदा नहीं कॉल करने का इनको, बंद करो यार। चलो मैं चलता हूँ घर, मैं सो जाऊंगा भाई, अब ये घर आए ना दरवाजे बंद है इनके लिए मेरे घर के। यार मैंने तुझे बोला भी था रेस ना लगा, और तूने फिर भी रेस लगाई है। ओए यार तेरी गाड़ी का तो पूरा कबाड़ा हो गया, इंजन छिंजन मेरे ख्याल से फारिग हो गया, अब क्या करेंगे जिमी। यार तूने किया अभी धुएं मारी है, धुएं अभी सारा इसका इंजन खत्म हो गया। मैं कैसे ठीक कर रहा हूँ यार, मेरे पास तो बस 200 रुपये हैं, वो भी अब्बे ने दूध के लिए दिए थे, अभी बीच में से 50 मैंने मार लिए, 50 चल तू रख ले। और अब ये मेरे अब्बू को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे फिर मेरे साथ, तुझे पता है क्या करेंगे यार, फिर मुझे मारेंगे। तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो चमाटे कराते ही रहते हैं यार, 2 चमाटे कराएंगे ठीक हो जाएगा। तो अपनी गाड़ी को तूने कुछ होने भी नहीं दिया, इधर देख इसकी भी हेडलाइट निकली है, ये देख हेडलाइट निकल आई। मैं तो पहले ही कह रहा था यार, मेहरान जो है ना वो जापान बनाता है, जापान की चीजें अच्छी होती है, और ये जो लैंड क्रूजर है ये चाइना वगैरह बनाते हैं, तो इनकी चीजें ऐसे ही होती हैं फारिग फजूल। देखा ना थोड़ी सी ठुकी है और इसका इंजन डेड हो गया। थोड़ी सी नहीं ठुकी, इतनी उल्टी हो गई थी, इधर टक्कर लगी थी। अच्छा रुक मैं किसी को बुला के लाता हूँ, वो गाड़ी सीधी करता है फिर हम घर जाते हैं ठीक है। जल्दी बुला। चल मैं फिर जा रहा हूँ ठीक है, इधर झुगियों वाले होता है ना उनको बुला के लाता हूँ, मुसलियों को ठीक है। हाँ हाँ टेंशन नहीं लेनी यार मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ यार, आज तक बिल्लू ने तेरा साथ छोड़ा है कभी? बड़ी शोखियाँ दिखा रहा था, दिक्कत या बित्ता कर रहा था गाड़ी निकालते हुए, लगता है मेरी नज़र लगी बेचारे को यार। अब ये अपने बाप को बस मेरा नाम ना बता दे, नहीं तो इसके बाप ने ना इसके साथ साथ मुझे भी धो देना, बड़ा खबीस आदमी है, खुन्नास आदमी है पूरा। यहाँ जाता हूँ, ये ऊपर झुग्गियों वाले होते हैं, इधर किधर जा रहा हूँ यार मैं, इधर इस जगह का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मुझे पता भी नहीं है इधर किधर बंदे होते हैं यार, किसी को बुला के लाता हूँ। दोपहर का खड़ा हुआ इधर मोटा रो रहा है यार, मेरा सर खाई जा रहा है, सर में दर्द शुरू हो गई है। आज तो इसके साथ रेस लगाना मुझे भी बहुत महंगा पड़ गया यार, हेडलाइट भी निकल गई है, अभी इसका मेरी गाड़ी का भी इतना खर्चा आ गया, अब जाके क्या करूँगा, अब्बे को क्या मुँह दिखाऊंगा यार। मेरा अब्बा बहुत सख्त है यार, वो मारेगा मुझे भी। ए झुग्गियों वाले अंकल, ओ झुग्गियों वाले कोई है, हेल्प हेल्प हेल्प। अभी यहाँ कोई लड़की चिल्ला रही होती ना, हेल्प हेल्प, फौरन से आ जाती, मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं आएगा, हेल्प। पता नहीं कौन भौंक रहा है कुत्ता, चलो देखता हूँ इसको, हेल्प, शोर मचा रखा है, हेल्प। क्या तकलीफ हो गई है यार, वो इधर पास में मेरी गाड़ी उल्टी हो गई है, बड़ी सी गाड़ी है मेरी, तो सीधी करना उसको। यार आपको बुलाने आया हूँ, मैं खुद सीधी कर सकता, तो आप जैसे मुसलियों को क्यों बुलाने आता है? चंगड़ तमीज से ठीक है ना। अच्छा भाई आप गुस्से हो रहे हो, कोई बात नहीं, आपकी भी इज्जत होती है ना, मुसलियों की भी इज्जत होती है। साला गंजा। अच्छा ना यार सबर, मैं एक गाड़ी लेके आता हूँ उससे खींचूंगा ठीक है, किराया लूंगा 1000 रुपया। हाँ किराया ले लियो अपना। चलो यार जल्दी से जाता हूँ, यहाँ पर पास में हमारा टो ट्रक खड़ा होता है, इसको ऐसे हम इस काम के लिए यूज करते हैं, इस पे सामान वगैरह लाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह खींचते हैं जो फंस जाती हैं कीचड़ के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को पता है रोज नए नए मसले शुरू होते रहते हैं, अभी वो पता नहीं कहाँ रह गया ये बंदा। आ जा भाई, ओ चंगण आ जाओ, काले आले ऐसी कोट लगाई है, काले दिल वाले, जल्दी बैठ। हाँ रोक रोक मैं बैठता हूँ, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, चोरी तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी नहीं होगी। हाँ नहीं तो तुम्हारे खानदान वाले चोरी करके ले जाएं, फिर मैं क्या करूँगा। साले जितनी प्यारी तेरी गाड़ी है कोई नहीं लेके जाएगा। मेरा सी आदमी मेहरान टैक्सी पे आ गया साला।
आया था तेरी गाड़ी से तो प्यारी है, व्हाइट कलर में है। देख व्हाइट कलर में आजकल लैंड क्रूजर आती है, तुझे पता है? व्हाइट कलर में अब तुझे कोई गधी ला के दे दे, तू उसे मेरी गाड़ी से मुकाबला करेगा? ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। व्हाइट कलर की गधी तो व्हाइट तो होगी ना, तेरी तरह काली तो नहीं होगी। काले रेसिज्म नहीं कर वीडियो में, ठीक है ना? वो तो मैं करूंगा, मैं तो करूंगा। गाड़ी लग गई तेरी वजह से, इसका खर्चा भी तू देगा, की तरह निकाल इसका खर्चा भी तू देगा। बता रहा हूँ, सारे खानदान को बुला लूंगा मैं, बता रहा हूँ। दे दूंगा, मेरी जेब में कुल 200 रुपया पड़ा, उसके पीछे सारी दुनिया पागल हो रही है। 200 रुपया नहीं, मैं मारूंगा तेरे से सारे काम कराऊंगा। तूने कैसे सुन लिया? मैं दिल में बोल रहा था। साले दिल में जो बोल रहा था ना, सबको आवाज आ रही है। यार मेरा दोस्त है वो, उसी की तो गाड़ी है, ठोके खड़ा है वो सामने। देख खड़ा है कि नहीं खड़ा? हाँ खड़ा है साले। ये नीले कपड़ों वाला? हाँ यही है, छोटा सा। ये मलंग, ये बेचारा हटा मलंगा, फिर से रो रहा है। देखना यार पापा मुझे मारेंगे। अबे बस कर, थोड़ा खुल के तो रोले, समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे। जर मेरे पापा मुझे मारेंगे वैसे। चलो अच्छा, इस गाड़ी को खींचना है, छोटे जरा साइड पे हो जाओ शबा। अंकल दिखे ना दे वैसे ही जा रही है, किसको ब्लॉक ले रहे ना? देखा ये मुसली जो है ना, बहुत बहुत नखरे में चल रहा है आजकल, चौड़े में चल रहा है मुसली। हां साले मारूंगा ऐसे तुझे, चंगन मुसली कहेगा मेरा ऐसी। मेरी एक हेडलाइट भी टूट गई है तेरी वजह से आज। हां हर बंदे का नुकसान मेरी वजह से हो रहा है। हां ना साइड पे हो छोटे। चलो भाई अब निकालते हैं तुम लोगों की गाड़ी। ये इधर टक्कर कैसे हुई है यार? ओ, हम रेस लगा रहे थे दोनों दोस्त, दो मेरी मेहरबान तो कर रहे थे ना तुम लोग हैं? अच्छा ना, बस अब आना मैंने ज्यादा ही फ्री हो रहे। तू मदद के लिए क्या बुला लिए? सरी चढ़ता जा रहे ध्यान से। कांटा फंसा है इसके अंदर, कांटा फंस जाएगा। कांटा फंस के सीधा करके ध्यान से ठोकना देना, महंगी गाड़ी है महंगी गाड़ी। अबे सीधा करना है, तू घसीटे जा रहे उसके मार रही है, जल्दी न जाए गाड़ी। जल गई तो तू और भी जल जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, साले मरेंगे दोनों। ये गाड़ी बड़ी खतरनाक है, इसका इंजन इतना पावरफुल है, इधर आग लगी ना दोनों जाएंगे साले। अबे खींच तू सीधी तो कर ले चाचा। कर लूंगा चाचा, किसको बोल रहा है? तेरे से 5 साल छोटा हूँ मैं। बस कर दे झूठ थोड़ा बोल चाचा। हाँ ये नहीं हो रही सीधी यार। यार तू घसीटे जा रहे, वो बम्पर तोड़ दिया, बम्पर तोड़ दिया तूने गाड़ी का। क्या करूं यार, सीधी नहीं हो रही यार ये गाड़ी। उतर चल, है तो इसे करते हैं। ओह नो, गाड़ी खत्म हो गई भाई, इसे सीधी करा के क्या करोगे अब? खत्म हो गई गाड़ी मेरे भाई। तू टेंशन नहीं ले, कुछ कर लेंगे, अपना काम कर। चलिए होगी, बस निकाल दिए मैंने उधर से, ठीक है? हाँ बस ठीक है, जा धक्का मारो सीधी हो जाएगी खुद ही। ये देखो ऐसे टांग मारोगे ना सीधी हो जाएगी। चल शाबा सीधी हो, इतनी वजनी गाड़ी है, मेरी टांगों में दर्द हो गई। मैं खुद ही कुछ कर लूंगा, तू जा बस। दोनों मिलो, धक्का लगाओ, ठीक है? 1000 रुपया दो, नहीं तो और मुसल्ली लेके आता हूँ और, ठीक है? 1000 रुपया तो मेरे साथ नहीं है अभी। नहीं है तो फिर ये खाना जरा, तू 1 मिनट ये खाना। पुराने हबशी, पुराने टेमों में रेसलिंग में काम करता था, झाड़ू देता था, रेसलिंग में काम करता था। जय ऐसे मनुष्य का बच्चा, ऐसे दे मैं बता रहा हूँ, इसके साथ बांध के घसीटूंगा तुझे। जय ऐसे कुत्ते, चला जा ऐसे कुत्ते। ऐसे नहीं मानेगा यार, पैसे देता ही नहीं, पैसे दे शबा। अच्छा ना ये ले 500 रुपया ले ले, चले उठ पैसे दे शबा। 500 रुपया ले ले ना काले, जल्दी दे, काले रुक जा, जल्दी दे शबा। चल ठीक हो गया, पागल कुत्ते के बच्चे तुझे कभी रास नहीं आएंगे, ये पैसे मरेगा तू, देखना उल्टियां लगेंगी तुझे। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, बाथरूम में मरेगा तू। साले तेरी गाड़ी सीधी कर दी मैंने, देख स्टाइल चेक किया फिर भाई का, तलवा दिमाग खराब कर दिया यार इसने। चलो यार ये रस्सी ऊपर कर लेते हैं, अब निकलते हैं अपने काम की तरफ। 1000-500 रुपए की बिक्री हो गई, गाड़ी खत्म है मेरे भाई, गाड़ी तो बिल्कुल खत्म है यार। देख ना कुछ तो सेट हो सकता होगा ना यार। मैं कौन सा मैकेनिक हूँ, मुझे गाड़ियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, धुएं छोड़ी है बस, मुझे नहीं पता, पता नहीं इसमें आग लग जाएगी अभी। इतना गंदा धुआं मार रही है यार। एक काम कर, इसको वर्कशॉप पे ले जा, नहीं तो फिर घर पे फिर से कॉल कर ले अपने घर जाके। यार स्टार्ट करके चेक कर। हाँ करता हूँ, स्टार्ट करके चेक करता हूँ, रुक देखते हैं स्टार्ट हो रही है। ये देख थोड़ी स्टार्ट हो गई है यार। हाँ यार इतनी भी खराब नहीं हुई अभी तो यार। और क्या खराब होना, सीन होते हैं खराब होने के, सीन होते हैं। ए देख मोटे को बातें कितनी आती हैं, बोलना सीधा हो नहीं रहा, सीन होते हैं यार। गुस्सा नहीं चला ऐसे ही। ओए गुस्सा ना कर, मैंने इतनी मदद की है तेरे लिए, 500 रुपया दे दिए अपना। अच्छा ठीक है यार मेरे दोस्त, चल जा अब घर, चला जा अपने, ठीक है? मैं तुझे कह रहा हूँ इधर ना, फिर रात को ऐसे ही मुसली आ जाते हैं, पकड़ के मार देंगे तुझे। तू जा रहा है? हाँ मेरी गाड़ी अकेला चोर के जा रहा है यार, क्या करूँ मजबूरी है, मेरे बाप ने मुझे मारना है, नहीं तो तेरी वजह से 500 रुपया दे दिए।
आजा चल उधर सामने से एक साथ जाते हैं, रेसे लगाएंगे फिर से। गुंजन ना दफा हो जाए इधर से। जा रहा हूँ मुझे भी कोई शौक नहीं है साले, सारा तुझे ही शौक था रेसे लगाने का। दफा हो जाए अभी यार, अब मैं इस गाड़ी का क्या करूँ, रात होगी और कोई गाड़ी मेरी स्टार्ट ही नहीं हो रही, और मैं अब पापा को क्या बोलूँगा। स्टार्ट होगी मेरे भाई, स्टार्ट होगी यार, पर पापा मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, वो देखेंगे उनकी गाड़ी की जे मैंने हालत कर दिए तो फिर क्या होगा। मामू को कॉल मिलाता हूँ पर मेरे पास नुमाइल ही नहीं है यार, मैं बाहर जाता हूँ एक बंदे से कहता हूँ यार अल्लाह को वास्ता नुमाइल दे दे मेरे भाई, इतना धुआं मार रही है काले कलर का। मेरी लैंड क्रूजर इतनी प्यारी थी और अभी इसको जाए पापा को बता। मामू भी कॉल नहीं उठा रहे, मुझे भेज दिया वैसे ही बच्चे को। लाइट ऑन हो रही है इसकी, लाइट ही नहीं ऑन हो रही, लाइटें ही बंद हो ही जा रही हैं यार, जहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है। इतनी मुश्किलों से निकाली है मैंने गाड़ी, वो मेरे दोस्त भी छोड़ के चला गया, अभी इधर ट्रेन की पटरियों से मैं कैसे जाऊँगा यार। सही मुसीबत आ गई है कसम से, सुबह स्कूल भी जाना है फिर मैं क्या करूँ, अभी मुझे पापा मारेंगे। इधर एक भाई इधर कोई है, भाई रुके, गाड़ी वाले भाई रुके। हाँ क्या काम है भाई, नंबर दे मैल। हटो चलो यार, तंग नहीं करो, इधर ऐसी वारदात करके चले जाते हो। ये कड़े हैं पोल्ट्री, इनसे मांगता हूँ मेरे भाई। मुल्क के हालात देखना, एक दिन मैं ही सेट करूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे भाई पोल्ट्री, मुझे लेटने दे भाई। ममैल है, ममैल नमैल है, क्या करना है, मेरी जानू का नंबर है बीच में, तुम्हें नहीं दूंगा। दे यार नमैल, दे कॉल करनी है। ये क्या पेशाब कर रहे हो आप लोग, हैं? अब किसने कहा तुझे, पानी आ रहा है उधर से। अच्छा नमैल दो यार, कॉल करनी है। पागल का बच्चा, ये ले नमैल। अच्छा यार शुक्रिया मेरे भाई, चलो यार कॉल करता हूँ यार। हेलो मामू अस्सलाम वालेकुम। मामू कॉल उठा ले अल्लाह को वास्ते। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जिनी बात कर रहा हूँ। हाँ जिमी बेटा, तू रो क्यों रहा है, खैर है? ओ मामू मेरा एक्सीडेंट हो गया। किधर खड़ा तू? एक्सीडेंट हो गया इधर रोड पे। रोड पे किस जगह बेटा, मैं आ रहा हूँ, बताओ मुझे। इधर नाले के पास एक्सीडेंट हुआ है मेरा। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी सी देर में पहुँच रहा हूँ, उधर ही खड़ा रही, ठीक है? जल्दी आए, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ आपको व्हाट्सएप में। हाँ सही है, जल्दी सेंड कर। जल्दी आए यार, मेरे पास नुमाइल भी नहीं है। ये ले मेरे भाई, ये आपका नुमाइल वापस ले लें, ये ले। हाँ चल ठीक है, मिल गया, हो गया, कर ली कॉल। हाँ कर ली मेरे भाई। चलो यार मैं यहाँ पे मामू का वेट करता हूँ। अभी मैं रात को अपनी बीवी की दवाइयाँ लेने निकला हुआ था और ये जिमी की कॉल आई है यार, उसने गाड़ी ठोक दी है, पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, समझ ही नहीं आ रही, अकेला खड़ा हुआ था, रो रहा था, कॉल किया उसने, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं अभी कह रहा हूँ दवाइयाँ बाद में घर पहुँचाऊँगा, अभी बस सीधा उधर ही निकलता हूँ। जिमी ने लोकेशन भेजी है मुझे जहाँ पे गाड़ी ठोकी है उसने, पता नहीं माइकल भी साथ है या नहीं है, लेकिन कॉल आ रही थी माइकल की भी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उठाई नहीं। मैंने कहा उसने कहना होगा कि शोरूम बंद कर देना, दरवाजे शरवाजे चेक कर देना, लेकिन यार इधर तो और ही सीन हुआ है, पता नहीं जिमी किधर है। ये मुझे तो लोकेशन इधर किधर ही भेजी हुई है उसने, और अभी मुझे जगह भी सही से नहीं मिल रही। कोई तकरीबन आधे घंटे से मैं यहाँ पे सड़कों पे मारा फिर रहा हूँ, मुझे जिमी का कोई अता पता नहीं चल रहा। एड्रेस भी कैसे सेंड कर रहा है, बोल रहा है एक इधर गाड़ी खड़ी हुई है और दो चरसी सोए पड़े हैं और ये इधर ट्रेन की पटरियाँ हैं, पटरियों पर तो मैं पहुँच गया हूँ और ये खड़ा हुआ है। ओए होए होए होए, धुएँ छोड़िए गाड़ी, मैंने भी ठोक दी अपनी गाड़ी, टेंशन में हो जाता, चलो कोई बात नहीं। जिमी ये क्या कर दिया बेटा तूने, बाप किधर है तेरा, इधर गाड़ी ठोक के घर चला गया वो। उन्होंने नहीं ठोकी मेरे से, ठोकी है गाड़ी। तो तू अकेला गाड़ी लेके निकला किधर हुआ है रात के इस टाइम? आपने ही भेजा था ना रोटियां लेने, तू उस वक्त से घर ही नहीं गया? हाँ शाबाश, आफरीन है बेटा तुझ पे भी आफरीन है। ये करता क्या फिर रहा तू है, क्या काम कर रहा तू इधर? मैं रोटियां लेने आया था तो गाड़ी ठोकी है। रोटियां लेने आया था और गाड़ी ठुक गई, ऐसे तो नहीं गाड़ी ठुकती बेटा। रोटियां लेने तू इधर आया किधर था, पहली बात तो ये कि वो शोरूम के पास उधर होटल है एक, उधर से रोटियां लेने भेजा था तुझे। मैंने देखे, मैंने रेस लगाई और गाड़ी ठुक गई फिर। गाड़ी ठुक गई बेटा, तू खुद क्यों नहीं ठुका? मैंने ऐसे रेस लगा रहा था और गाड़ी इधर द्वार में मर गई है। मर गई तो बेटा तू क्यों नहीं मरा साथ? मैं भी मर जाऊंगा, दिमाग शार्ट ना बोल, मैं एक चपेट लगा जाऊंगा पक्की सी। चल बैठ गाड़ी में, फॉलो कर मुझे, घर चलते हैं, वर्कशॉप पे लेके जाता हूँ, सीधा कराता हूँ इसको। चला बांध दे रच्ची से।
हाँ रस्सी से बांध देता हूँ, चला तू मेरे साथ बैठ, आ जा बस रो नहीं, अब चुप हो जा चुप। जी जी मामू, ऐसे ही मैं आराम से जा रहा था और आराम से जा रहा था और ठोक दी है, गाड़ी मर गई थी। बस बेटा जिमी जब चुप हो जा थोड़ी देर के लिए, ठीक है मुझे कुछ सोचने दे क्या करते हैं, ठीक है जी। मैं मुझे ना भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो देख अबे साले अंधा हुआ है तू, ओए ये देखे इधर लोग ऐसे ही मार देते गाड़ी फिर। हाँ ये तो इनकी बिगड़ती है ना, अंधा हुआ है क्या तू, ये गाड़ी की रास्ते में खड़ी की भी है तो ऐसे ही होगा ना भाई, निकल चल गाड़ी ले जा अपनी। दिमाग खराब कर रहे हैं और फिर ना ठोकी, मैं बता रहा हूँ तुझे ही ठोक दूंगा पागल का बच्चा। गाड़ी हमारी ठोक ली है ऐसे ही, पापा को बोलेंगे आपने ठोकी है मामू। क्या बोलेंगे पापा को, आपने गाड़ी मार ली थी। मैं नहीं बोल रहा बेटा, पहले मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, अभी वो कॉल्स कर रहा है, कॉल्स पे कॉल्स कर रहा है, वो इसीलिए कॉल कर रहा होगा, उसको लग रहा है कि मैं तेरे साथ गया हूँ। उसको क्या पता मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके गया हूँ और तू अकेला माशाल्लाह गुलछर्रे उड़ा रहा है। पापा ने तो हम दोनों को भेजा था और अभी आप ऐसे कर रहे। हम दोनों को भेजा था और बेटा आगे से तूने मुझे कहा था कि मैं अकेला चला जाऊंगा, तब नहीं बोल सकता था तू। मेरे से गाड़ी फिर मैंने आराम से चलाई थी, आराम से, आराम से आपने नहीं चलाई, आराम से चलाई होती तो ये ठुकती ना, दोनों तरफ से ठुकी भी आगे से भी और पीछे से भी, ये देख। अच्छा बस अब रोनी वर्कशॉप ले जाते हैं, पता चलता है कितना खर्चा निकलता है, फिर मैं कुछ करता हूँ उधार शुधार लेता हूँ किसी से, ठीक है। और वैसे भी थोड़े थोड़े थोड़ा सा खर्चा हुआ तो फिर तो पैसे होंगे थोड़े बहुत मेरे पास। जी यहाँ पर ही पास में एक मैकेनिक भी है गली में, हाँ ले जाते हैं उसी के पास लेके जाते हैं, लेके जाए ठीक कराए इसको फिर। मैंने सोचा था थोड़ी सी लगी होगी और इसका तो इंजन ही खराब हो गया। बेटा धुएं मार रही है, थोड़ी बहुत तो नहीं लगी ना, बहुत सारी लगी है। फिर मैंने समझा थोड़ा सा खर्चा होगा 100-200 का। अब तू कॉल किया तूने बाप को? नहीं मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। ये मेरा मोबाइल पकड़ और कॉल कर उसको और बताओ उसको कि हम दोनों कोई बहाना लगा अच्छा सा, ठीक है। मैं बोलूंगा एक ट्रक वाले ने हमको ठोका है। हाँ ये बोल दे, ठीक है ठीक है जय बात करते हैं यहाँ कड़ी करे मैकेनिक, इधर ही मैकेनिक होता है। इधर ही मैकेनिक है जी आगे गली में, अभी दुकान ही उसकी बंद है ये देखें। ओ नो अब क्या करेंगे, तो सुबह ही खुलेगी जी सुबह ही है तो दुकान खोलेगा, इधर ही कड़ी कर लेते हैं। इधर ही पास मेरे दोस्त का घर है उधर चले जाते हैं। फिर पापा को क्या बोले? पापा को कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना बेटा, अब तू सोच वो तो तूने लगाई है ना। मैंने तो थोड़ी सी ठोकी थी देखी ना मामू, चल मैं कर लेता हूँ कोई मस्त। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, किधर मर गए हो तुम लोग? यार वो हमारा एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाला ठोक के चला गया। मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, तुम लोग एक्सीडेंट हो गया, ड्रामे लगा रहे हो मेरे साथ। यार ड्रामे वाली कौन सी बात है, मैं बेहोश हो गया था अभी होश आया मुझे। हाँ होश आया, मैं तुम्हें होश में लाता हूँ, ठीक है घर आओ जरा वापस, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। हाँ मैं हॉस्पिटल से ही होके आ रहा हूँ बस। हाँ एक्सीडेंट हो गया, अच्छा जल्दी मारो घर, गाड़ी लेके आना मेरी। हाँ ठीक है ठीक है। गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ? गाड़ी तो ठुकी है यार, अगर हम ठुके तो क्या गाड़ी नहीं ठुकी होगी। मेरा सर खुल गया और जिमी की देख पूरी टांग टूट गई, डॉक्टर कह रहे हैं फ्रैक्चर आया है। जी जी पापा घर आओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ता हूँ, दोनों आओ मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। बेईमानो अभी घर वापस नहीं आना जब तक मेरी गाड़ी ठीक ना हो जाए। हमारी फिक्र ही नहीं है ऐसे गाड़ी की पड़ी है। शाबाश कॉल काटो, जल्दी करो शाबाश। हाँ काट रहे हैं, लगा रहे हैं बस, ठंड पड़ गई है। ये क्या करूँ अब मैं, उससे चीजें ज्यादा प्यारी हैं बंदों से। यार मैं अब क्या करूँ, अब गाड़ी कैसे ठीक होगी। अब करते हैं कुछ, आ जा चल घर चलते हैं, फिलहाल खाना खाते हैं ठीक है, सुकून से सोते हैं, फिर सुबह कुछ सोचेंगे। इधर ही फिर गाड़ी खड़ी रहे, खड़ी रहेगी कोई तो उठा के लेके चला जाएगा, थोड़ा सा काम है इसमें और फिर सही करके चलाता फिरेगा फिर ठीक हो जाएगा। फिर बंद कर दें, ताला लगा दें फिर। चल फिर यहीं पे इसको लॉक करके छोड़ जाते हैं, इसको लॉक कर देते हैं फिर सुबह ठीक करा लेंगे मनाने कुछ। हाँ नहीं तो इधर कहीं कार पार्किंग हो ना उधर छोड़ जाते हैं। है इधर पीछे कार पार्किंग, वो लोग ख्याल भी रखते हैं ना यहाँ पे कार पार्किंग होती है। देख इधर कोई है बंदा भी रखवाली के लिए या नहीं? वो सोया पड़ा है वो देखे ना उधर, ओ खबीस का बच्चा सो रहा है जी वहाँ पे, एक बंदा सोया पड़ा है। चलो फिर खड़ी कर देते हैं यहीं पे, कोई मसला नहीं है ठीक है जी। आ जा चल जहाँ चले ठीक है, अभी जाने दे। आ जा। अच्छा और तबीयत खराब वो आंटी को क्या हुआ था? यार उसको टाइफाइड हुआ है, बुखार हो रहा है उसको। अच्छा तो फिर अभी गाड़ी का क्या, पापा को कहेंगे कि हमने ठीक करा ली है? हाँ तेरे बाप को तो यही कहेंगे हमने ठीक करा ली है, और वर्कशॉप पे अभी कुछ दिन तक देंगे वो। ठीक है आमू। बेटा बोल। एक और बात पूछनी थी, इसमें खर्चा कितना आएगा? तूने कौन सा भर लेना मेरे बच्चे, अभी मेरे पापा फिर मुझे मारेंगे ना। बेटा मैं भर दूंगा ना खर्चा, टेंशन क्यों ले रहा मेरे बच्चे? टेंशन तो होती है ना देखे मामू, फिर मुझे पापा नहीं छोड़ेंगे ना, पैसे मारते हैं हर टाइम।
पर्चा वगैरह मैं भर दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बस ना रो नहीं ना, खाना खाया तूने? नहीं। अच्छा रुक, तुझे यहाँ से होटल से कुछ खिलाऊं या घर से कुछ खिलाऊं? नहीं नहीं खाना, बस अभी तो खा लेना यार, ऐसे कैसे नहीं खाना तूने? पहले पहले उधर चलते हैं ना घर, पेट्रोल भरवा लेता हूँ पहले मैं। अच्छा ठीक है, भरवा ले पेट्रोल आप, घर चलते हैं। घर जाके क्या करेंगे? हाँ घर जाके थोड़ा सोऊंगा, सर में दर्द हो रही है। मैं कह रहा हूँ तुझे कुछ खा ले, फिर मैं चाय बनवा के दूंगा तुझे या खुद बना के दूंगा। तुझे पता है ना तेरा माऊ कितनी अच्छी चाय बनाता है। जी जी चल, पेट्रोल तो भरवा लिया हमने, आपकी गाड़ी भी आपने आगे से सही ठोक ली है। हाँ बेटा, वो तेरे पास जल्दी आने के चक्कर में बस ठोकी है, गलती मेरी थी, मुझे बच्चे को देरी नहीं चाहिए थी गाड़ी। जी जी सारी गलती आपकी थी। हाँ बेटा वैसी भी बात नहीं है, एक चमाटा कराऊंगा ना सीधा हो जाएगा तू। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं मेरे किसी। कैसे कर रहा हूँ बेटा, देख सारी बात तो मैंने खुद अपने कंधों पे ले ली है, अब भी तुझे टेंशन हो रही है? टेंशन की बात नहीं है, मेरे मामू मेरे सिर में दर्द हो रही है, फिर पापा। हाँ बेटा चला ना घर चल, मैं तुझे चाय पिलाता हूँ, पेनाडोल की गोली देता हूँ, सर दबाता हूँ तेरा, तू आराम सुकून से सो जा, सुबह उठेंगे इंशाल्लाह इस मसले पे गौर करेंगे, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? चलो यार हम सीधे घर चलते हैं। चल जिमी बेटा, मैं शोरूम में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ अपने इधर गैराज में, शोरूम जी में। जी गैरेज में गाड़ी खड़ी कर ले, गैरेज में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। मैं उर्दू बोल रहा हूँ और जिमी बेटे को इंग्लिश बोलने की पड़ी हुई है। दरवाजा खोलो, दरवाजा। यार मेरी बीवी तो सोई पड़ी होगी, मेरे पास एक स्पेयर चाबी होती है उससे दरवाजा खोल लेता हूँ। चलो आ जाओ जिमी। जी आ रहा हूँ। किधर सोएंगे हम मामू? किधर, ये वाले कमरे में तो ये सोई पड़ी है, इधर ही सो जाते हैं। किधर किधर सो जाते हैं? फिर किधर सोए? दूसरे कमरे में देखते हैं, ये तो बाथरूम है, बाथरूम में आ गया। बाथरूम तो आप जान, ये वाले कमरे में भी बेड खाली है, इधर सो जाओ आप, ठीक है? ठीक। और ये ऊपर वाला पंखा सही ना चल रहा हो तो मैं तुम्हें टांग वाला पंखा लाके देता हूँ। एसी ऑन कर लूंगा ना। एसी तो बेटा खराब है। खराब, चल ठीक है कोई बात नहीं है, चलो मैं ठीक करके देता हूँ तुम्हें फिर, ठीक है? बात सो जाऊंगा, ठीक है? अच्छी नींद आ जाएगी। जी जी आ जाएगी, ठीक है। चल ठीक है, मैं जाके अपने कमरे में सोता हूँ, फूफो को देख लेता हूँ, वो भी बैठी होगी। फूफो अस्सलाम वालेकुम। हमें तो पूछती नहीं हूँ बेटा, खाना तो ला दो। अभी तो खाया फूफो आपने, आपको खिला के तो गया था वापसी पे। कोई ना दोबारा ले आना, तुझे क्या तकलीफ है? फूफो चरस गांजा पी ले, वही बहुत है आपके लिए। तो एक बार रोटी मांग लो, तकलीफ हो जाती है। एक बार मांगती किधर है आप फूफो, दिन में 20 बार तो खाना खाती हैं आप। हाँ ना उठा ना उठा, तू कॉल फ्रैंकलिन, मैं आ रहा हूँ तेरे पास ही, आ रहा हूँ तेरे घर आ रहा हूँ। बेईमान का बच्चा अभी भी कॉल नहीं उठा रहा, सोया मरा पड़ा होगा, पता नहीं कहाँ दफा हो गया यार। इन्होंने मेरी गाड़ी के साथ ना कुछ ज्यादा ही भंड कर दिया मुझे लग रहा है। अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होता ना तो ये लोग अभी तक घर आ गए होते, मुझे बता दिया होता। इन्होंने लगता है गाड़ी ठोक दी है कहीं, या फिर बेच दी होगी बेईमान लोगों ने, और अभी झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ भाई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच्चा हूँ ना, मैं जाता हूँ इसे इसके घर जाके पूछता हूँ, मारूंगा ऐसा डंडों से ना दोनों को, साथ उस बेईमान को भी लेके गया है। वो फ्राडी तो चाहता ही यही है जिमी बेईमान, कि हर टाइम खेलता रहूं, घूमता रहूं, स्कूल जाने का दिल नहीं करता, और बाप की गाड़ी लेके सही घूमना है भाई इनको। ठीक करता हूं मैं, इस फ्रैंकलिन के घर जाके इसको पूछता हूं बेईमान के बच्चे को। चलो यार अब मैं जल्दी से चलता हूं इस फ्रैंकलिन की तरफ, घर ही होगा अब, घर के अलावा कहीं जा भी नहीं सकता है, रात को सोना तो पड़ेगा ना इसे घर के अंदर। मैं जाता हूं यार, एक दिन गुजर गया, रात गुजर गया, मैंने अपनी लैंड क्रूजर को देखा ही नहीं है। मैं छोड़ देता यार इसको, पर 3 करोड़ की गाड़ी है यार, भाड़ में जाए भाई, एक्सीडेंट हुआ है मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपनी गाड़ी से फर्क पड़ता है भाई, 3 करोड़ की लैंड क्रूजर है मेरी, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा इनको। बेईमान लोग, जलील करवा के रखा है जलील के बच्चों ने। ये आ गया मनहूस का नहूसत वाला घर, ये आ गया बेईमान का, गरीब ना हो तो, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है यार ये, फकीर भिखारी मेरी गाड़ी लेके फिरेगा, लैंड क्रूजर की औकात है इसकी? ठीक करता हूँ मैं इसको, इज्जत क्या दे दी है इसकी बहन की वजह से, सर ही चढ़ रहा है, इसकी बहन ने अलहदा सर खाया है। ठीक करता हूँ मैं इसको, बार मारो ए, अरे बेईमान साले साहब बार मारो, खोल दरवाजा ए। आ रहा हूँ दूध वाले सवर करो, जल्दी कर शाबाश, साइडो साइडो, क्या कर रहा है यहाँ पे हैं, क्या कर रहा है, कहाँ है मेरी गाड़ी, कहाँ क्या हो गया, धक्के किस लिए मार रहा है भाई, मैंने समझा दूध वाला आया इसलिए मैं इधर आया था दूध लेने, गाड़ी कहाँ है मेरी, जल्दी कर शाबाश, छिता लड़ा हुआ है तुझे, नाश्ता भी मेरे ख्याल से तूने सही से नहीं किया, रात को नींद भी नहीं आई होगी है, गाड़ी नहीं देखी ना, नहीं आई, झपी लगा के सोता है ना गाड़ी को, तो कर वो दूसरा किधर है, ओ तू उसको छोड़ ना, तू मुझसे बात कर, बदमाशी कर रहा है, मैं पुलिस को कॉल मिलाता हूँ, मैं कहूंगा एक इधर बंदा घुसा है मेरे घर में, दहशतगर्द है, बड़ी बड़ी दाढ़ी उसने रखी हुई है और दहशतगर्दी कर रहा है।
मैं मारूंगा थप्पड़। दाढ़ी शेव की भी है खुद तूने बेईमान आदमी, तेरे अंदर शर्म है नहीं और बकवास कर रहा है। तेरे अंदर है, इधर देखिए औरतों वाला घर है, तू इधर घुस के बदमाशी कर रहा है। हाँ? बदमाशी नहीं कर रहा, मेरी गाड़ी की चाबी दो, मैं तेरे ऊपर FIR कराता हूँ। तू सब क्या FIR कराएगा यार तू? मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं 10 बजे तेरे पास गाड़ी ना लेके आया, तू मुझे बताई फिर। चलो यार जब तक पापा लोग लाड़े हैं तब फिर मैं निकलता हूँ। मैं नाश्ता कराता हूँ ना तुझे, चाय नाश्ता कराता हूँ। नहीं करना मुझे नाश्ता यार, देख तू खा के भी कुछ नहीं आया। जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से, भाग जाता हूँ यार। मुझे मार रहे हैं अभी, फिर बोलेंगे मामू बता देंगे कि मैंने गाड़ी ठोकी है, फिर वैसे ही। अभी मैं क्या करूं यार? पहले तो मुझे ये बता गाड़ी ठुकी कैसे, ठीक है? आज तक जिंदगी में मेरे से एक बार गाड़ी नहीं ठुकी, तेरे से कैसे ठुकी? यार मेरे से ठुकी नहीं है, बात ही है ये, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से नहीं ठुकी। गाड़ी उधर खड़ी हुई थी, जिमी जो है होटल के अंदर गया रोटियां लेने, मैं गया हूँ वॉशरूम करने में गया हूँ, उधर सामने खुली जगह गाड़ी हवा में गई है, खुद ठुक गई है मुझे। सुन तो लेना, सुन लेना, सुन ले, छिता लड़ा हुआ है तुझे, सुन ले। उधर से ट्रक आया, ट्रक वाले ने जल्दी में था, वो किसी को ठोक के पीछे से आ रहा था, मेरी गाड़ी ठोकी है उसने, गाड़ी ठोक के गाड़ी उल्टी हो गई, वो भाग गए। अब मैं उसके पीछे गालियां देता देता भाग के गया हूं, मैंने नंबर प्लेट देख लिया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। वो दूसरा कहां गया मुझे बता तू, उसको तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से तो भाग गया, कमरे में ही था, यही से बाहर निकला है वो अभी। मैं उसका कफन दफन करूंगा यहाँ पे, देख तू अब मैं उसके साथ करूंगा क्या। इधर मर, हाँ बदमाशी तेरी बच्चों पे ही चलती है ना। सच सच बता दे उसको कहाँ छुपा के रखा है तूने। यार अभी तेरे सामने तो सोया पड़ा था, इधर ही तो था, झाड़ियों में छुपा होगा, ज्यादा से ज्यादा किधर जा सकता है। बाहर निकल ओए, इधर नहीं है ओए, ये लॉक हुआ पड़ा है। क्या कर रहे हो? मामू मैं छाल मार रहा हूँ। बेटा छाल छाल नहीं मारनी, खबरदार तूने वहां से छलांग लगाई तो। मैं चाल मार रहा हूँ, गुदगुदी कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। बेटा मैं बचाऊंगा ना तुझे, तूने कितना ठोकी थी गाड़ी? तो मैंने ठोकी थी। हाँ गाड़ी तूने ठोक ली थी, मार छलांग मार यहाँ से, मर जलील के बच्चे, मर जा यहाँ से। अगर तू नहीं मरेगा ना मैं तुझे ऊपर आके मारूंगा। अब प्लीज सॉरी मेरे गाइस, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। सॉरी मेरे मामू, सॉरी मेरे मामू, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले तो भाई आप लोगों को बताना ये था कि आजकल हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ज़रा शुगल मेला लगा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो यार काफ़ी सारे लोगों ने जो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप लोग सर्च करके भी आ सकते हैं, Radiator076 उसका नाम है। तो वहाँ पर जाकर भी हमें सब्सक्राइब कर दें, डेली लाइव स्ट्रीम करता है भाई आपका वहाँ पर, और काफ़ी सारा शुगल मेला लगता है, आप लोगों के साथ गेम्स खेलेंगे, ठीक है? तो जल्दी जाएँ उसे सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा आपको अगर मॉड्स चाहिए, जो मॉड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वीडियोज़ के अंदर, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट gaminginfo076 पर, जल्दी से जाएँ वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो का लाइक एम है 500 likes, 500 likes, तो यार जल्दी से कर दो यार, इतना तो बनता है एक दिन के अंदर है। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और बाकी अब देखते हैं क्या होता है आगे।